Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two rooms can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Last vlog में आप लोग दिखे होंगे, हम लोग गए थे हिडिमन टेम्पल. उसके बाद हम लोग निकल गए थे दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ पे मैं वीडियो को कंटिन्यू में छोड़ी थी. उसके बाद हम लोग कहाँ पे गए, चलो फिर दिखते हैं इस वीडियो पे. फाइनली हम लोग अभी आए हैं ओल्ड मनाली में. नगर का स्टल जाने वाले थे, पर यहाँ से मनाली से 26 किलोमीटर है, तो इसी के वजह से आज हमारा वो प्लान कैंसिल हो गया. अभी टाइम नहीं है. अभी हम आए हैं क्लब हाउस ओल्ड मनाली पे जो है, और यहाँ पे टिकट लगती है. बड़ों का 25 रुपीस लगती है और बच्चों का 10 रुपए लगता है. हाँ, अभी इसी की वजह से हमारा नगर का स्टल तो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है. और कल दिखते हैं, और कभी हम लोग मनाली आएंगे ना, तभी हम लोग नगर कस्टल जाएंगे. तो पीछे देखिए कितना सुंदर नजारा है. हाँ, बहुत ही सुंदर. मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. एंड अभी हम लोग ये देखो, हम दोनों ने सेम लिए. क्या बोलते हैं यहाँ पे को? मुझे नहीं पता. पूछ के बता देंगे. हम लोग वो टोपी जो लिए थे ना, हम लोग का सब बोल रहे थे तुम लोग ये टोपी कहाँ से लिए, क्योंकि वो हिमाचली लुक थी ना. हाँ, वो टोपी वही. तो अभी चलो फिर क्लब हाउस जाते हैं. ओल्ड मनाली में है जो, वो भी काफी ज्यादा फेमस है. तो पीछे का व्यू भी दिखाती हूँ, फिर हम लोग जाते हैं क्लब हाउस. ठीक है, फिर मेरे साथ बने रहना. ये देखो उसके सामने ये सुंदर सा नजारा है. वाओ, क्लब हाउस के सामने ही है. वाओ, ये सामने है क्लब हाउस. और यहाँ पे है टिकट काउंटर, टिकट लगती है इसके अंदर जाने के लिए. कितना है टिकट का प्राइस? अच्छा, चाइल्ड का 10 है. ठीक है, अभी हम लोग क्लब टिकट भी ले लिए, एंट्री भी कर लिए हैं. क्लब हाउस में है क्या देखते हैं. क्लब हाउस में दिखने को क्या है, क्लब हाउस के अंदर क्या है दिखने को? ये शॉपिंग वगैरह है. अच्छा, शॉपिंग मार्केट. अच्छा, यहाँ पे साल तो सस्ता मिलता है या फिर महंगा मिलता है? यहाँ पे तो ठीक ही प्राइस मिलेगा, वहाँ पे मार्केट में नहीं लेना, मार्केट पे तो महंगा मिलेगा. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलता है ना. यहाँ पे रिजनल सस्ता. अच्छा, क्लब हाउस मतलब मार्केटिंग वगैरह. पानी पता नहीं कहाँ से आ रही है. अच्छा, ऊपर से गिरी मेरे ऊपर तो.
अच्छा यहाँ ये पूरा मार्केट है फिर हाँ। यहाँ पे सस्ता बोलते हैं, वो बोल रहे हैं सस्ता है करके, माल रोड से भी सस्ता है, दिखते हैं। मैं एक्चुअली मम्मी के लिए साल में कोई क्लब क्लब होगा या पब पब होगा, हाँ ये आई पब करने के लिए यहाँ पे एक मार्केट है। दिखती हूँ मम्मी के लिए मैं साल लूंगी, दिखती हूँ अगर सस्ता हुआ तो मैं भी आपको बताऊंगी जरूर। चलो फिर अंदर जाते हैं, दिखते हैं। हिमाचल टूरिस्ट क्लब हाउस वेलकम, इसके अंदर जा रहे हैं हम लोग अभी। चलो दिखते हैं क्या है या नहीं है बोल के, वही ना दिखते हैं। हिमाचल इस तरफ ये पूरा ऊन से ही बना हुआ है या धागे से? ये शायद ऊन से बना हुआ है, ऊन एंड धागे से भी बना हुआ। हाँ धागे भी उससे बना हुआ है। ये सब हैंडमेड है, हैंडमेड है ना ये सब ना? ये देख सकते हो, अंदर जाते हैं। यहाँ पे साल मिलेगी क्या मेरी मम्मी के लिए? बहुत ही बड़ा है, उन लोग बोले कि साल जो है आगे है। वाह कितना अच्छा दिख रहा है ना, ये देखो ये देखो। ये सब जैकेट वगैरह ये देखो, ये जो सल है ये मतलब 1000 में 4 पीस देते हैं इन लोग यहाँ पे। मैं भी सोच रहा हूँ मम्मी के लिए एक ले लेती हूँ, नहीं मम्मी के लिए और मेरी जो दूसरी है तो उनके लिए, दोनों के लिए मैं ले लेती हूँ। ये देख तो शिल्पा कौन सा अच्छा है, ये लग रहा है ये अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है ना। हाँ 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 ये, और ये क्या इसका कैसा है? वो स्टॉल है। अच्छा स्टॉल है, ये तो स्टॉल है। हाँ हाँ ये 1250 का 20% का। अच्छा अच्छा ये सिंगल पीस 1250 का है। ये बॉम नहीं है ना, ये वाला दोनों बॉम लगेगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रेडिशनल आएगा हिमाचल का ना? कौन सा वो वाला? ये ट्रेडिशनल। अच्छा मेरा खत्म हो गया स्पेस पे। चलो ठीक है मैं सोच रहा हूँ ये ले लेती हूँ मम्मी के लिए ना, या फिर ये ले लो, ये लो या लो ये वाला। हाँ। मुझे आंटी के लिए भी लेना था, ऐसा करिए ना ये भी एक ले लूँ, ये भी एक ले लूँ क्या? ऐसे ले सकते हो ना? हाँ हाँ ठीक है फिर। चलो अच्छा हुआ मुझे यहाँ पे ही मिल गया मम्मी के लिए सल ना, और बहुत सस्ता में मिला। हाँ हाँ मैं फाइनल डिसाइड कर ली, मैं ये लेने वाली हूँ आंटी, ये लेने वाली हूँ ये दो। आप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर बताना, बहुत ही सस्ता है। ये सब अलग अलग पैटर्न है यहाँ पे, ये देखो का। अच्छा उसे क्या बोलते हैं और एक बार बता दोगे? पंचो, वो जो है वो पंचो के जैसे मतलब। और मैं सोच रहा हूँ एक मेरी अपनी बहन के लिए भी ले लूंगी, ये ले रही हूँ मैं अपनी बहन के लिए, ये दिख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा विंटर के लिए बहुत अच्छा है। चलो ठीक है बस मेरा इतना ही मार्केटिंग करना था। ये कितने के हैं ये? कौन सा सर? ये कौन सा? कितना हुआ टोटल? मैम आपका 2400। वहाँ पे पेमेंट करनी है काउंटर में, बिल पे करके आना आपने, उसके बाद लेना है। अच्छा ठीक है चल पेमेंट करके आते हैं। ये है क्या हिमाचल का मतलब, कहाँ से है मतलब सारा हिमाचल? उसी आपका सब यहाँ पे सस्ता मिलता है सारा कुछ, सस्ता जो आपका कस्टम होता है।
अच्छा अच्छा फाइनली मेरी मार्केटिंग हो गई। ये देखो मम्मी के लिए भी ले ली, बहन के लिए भी ले ली, और मेरा कुछ अफसोस भी नहीं रहा कि उन दोनों के लिए मैं कुछ नहीं ली करके, तो ले ली दोनों के लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मार्केटिंग करके। एंड यहाँ पे सारा होलसेल है शायद, एंड हैंडमेड है, जितना भी यहाँ पे जितना दिख रहा हो सारा कुछ हैंडमेड है। तो बहुत ही सस्ता में मिलता है, बहुत ही चीप रेट में, मतलब मॉल रोड से भी ज़्यादा यहाँ पे सस्ता मिलता है। चलो फिर दिखते हैं हम लोग नेक्स्ट जगह कहाँ पे जाने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा जैसे मतलब शाम होती जा रही है ना, ठंड भी बढ़ती जा रही है सच्ची में। तो मेरे साथ बने रहना। क्या है? विसल, विसल। ये देखो। अच्छा ये ये बजा बैठ के यहाँ पे तू। बच्ची बन जा, बच्ची बन जा तू। ये क्या है? लट्टू, लट्टू। ये देखो अच्छा है, ब्यूटीफुल। ये पेंसिल है ना? बचपन में होती तो ये मैं लेके जाती साथ में, एक पेंसिल भी। पेंसिल का प्राइस कैसा है? 30 रुपीज। ये हैंडमेड है सारा। वाओ कितनी प्यारे है। देखो बच्चे नहीं रहे, हम क्या करें पेंसिल लेके भी। पेन है क्या हैंडमेड का? पेन है। देखो कितना सुंदर है। चल मतलब अंदर भी है, मतलब क्लब हाउस के अंदर भी है वहाँ पे मार्केट है। हाँ यहाँ पे देखो स्टॉल लगाया है साइड में, ये पूरा देखते हैं। छोटे छोटे शॉप है, ये वाला ग्लव्स चाहिए था। शॉप पूछते हैं ना, यहाँ पे स्टॉल है, शॉप है ना? हाँ शॉप ही है। हाँ छोटा छोटा पूछते हैं यहाँ पे ग्लव्स कैसे, क्या प्राइस है। देखिए अंदर तो पूछे, वो तो बोले 350, वो थोड़ा महंगा ही है। हाँ 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 यहाँ पे देखते हैं। अंदर भी महंगा था पर साल वगैरह बहुत सस्ता था। ये देखो वहाँ पे जाके पूछ, ग्लोब्स वहाँ पे सामने दिख रहे हैं, जाके पूछ ले। वाओ ये वाला स्टॉल कितना अच्छा है, वो जो चेन सिस्टम का। हाँ हाँ ग्लोब्स पूछ कितने का है। ओ बोला पूछ। हाँ इतनी सर्दी हो रही है, ठंडी लग रही है, क्या बताऊँ। अरे फाइनली हम लोग ये ग्लोव्स ले लिए, और हमारे पास ग्लोव्स था पर वो सोलंग वैली हम लोग कल गए थे ना, वो पूरा भीग गया था, गीली है वो। हाँ इसलिए हमें मजबूरन लेना हुआ सच्ची में। 100 रुपीस में ये ना अच्छा है। हाँ हाँ चलेगा। आई लव मनाली सच्ची में, मनाली ने दिल ही हमारा जीत लिया सच्ची बता रही हूँ। फिर से आऊँगी क्योंकि टाइम इस बार नहीं हुआ, सिर्फ मनाली आऊँगी। टाइम चाहिए मनाली में, एटलीस्ट 4 दिन तो चाहिए ही चाहिए। 4-5 दिन? हाँ। नहीं तो नहीं हो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ट्रेन का बुकिंग हो चुका है ना इसी की वजह से, नहीं तो मैं भी रुक जाती मनाली में। बहुत कुछ है दिखने के लिए मनाली में, पर हम लोग भी खत्म नहीं हो रहा है। हाँ वही तो, बहुत कुछ है मनाली में दिखने के लिए, पर जो जो मेन मेन था हम लोग घूम चुके हैं ऑलरेडी। पर कौन सा नगर कैस्टल, वो नहीं घूम। कैस्टल और सिसु जाने वाले थे। हाँ सिसु बंद है, अटल टनल बंद है, वो सब बंद है। दिखते हैं फिर और कभी आएंगे हम लोग मनाली में। ये देखो सामने ये क्लब हाउस है, और अभी हम लोग क्लब हाउस से फिर वापस जा रहे हैं। कहाँ जाने वाले अभी हम लोग? अभी फिलहाल तो पता नहीं, ड्राइवर जो बताएगा हमें वही पता चलेगा। हाँ वही, क्योंकि हमारा ड्राइवर थोड़ा चिड़चिड़ सा है। हाँ ना यहाँ पे पता नहीं चिड़चिड़ हो, यहाँ पे पता नहीं ड्राइवर लोग थोड़े चिड़चिड़ होते हैं ना। नहीं उनके हिसाब से ठीक है रास्ता, बहुत रिस्क है यहाँ पे गाड़ी चलाना ना। नजारा तो, नजारा दिखो क्लब हाउस का, और नजारा भी बहुत अच्छा है सच्ची में। चलो फिर चलते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो वो भी चट होंगे फिर हमारे ऊपर, तो चलाने लगेंगे हम। हाँ वो भी है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। पहुंच लो कोई दूर, सो फाइनली हम आगे पहुंच चुके वन विहार मनाली पे। चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है। हाँ। पता तो नहीं है, कोई लग रहा है कोई वैसे क्या
जैसे कि कोई जू टाइप का होगा शायद, वाइल्ड लाइफ डिवीजन कुल्लू ऐसे लिखा है सामने। टिकट भी करनी पड़ती है, वहाँ है टिकट काउंटर, एडल्ट का 50 रुपए एंड बच्चों का 20 रुपए। हाँ, जैसे शाम होती है पता नहीं ठंड इतनी बढ़ जाती है, ठंड तो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है बस। वो भी है टिकट काउंटर, चलो दिखते हैं कितना है टिकट। बड़ों का है 50 रुपीज और बच्चों का है 20 रुपीज। यहाँ पे जैसे चिल्ड्रन पार्क यही है मैडम। अच्छा, वाइल्ड लाइफ लिखा है ना बाहर, वाइल्ड लाइफ तो वाइल्ड लाइफ इनका वो दूसरा है मैडम। दूसरा है कौन सा? वो इनका पक्षी का है, पक्षी का पर है, इसमें अलग है और यहाँ अलग है, यहाँ अलग है और यहाँ बीच में भी अलग अलग है, सब पक्षियों के पर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अभी टेम्परेचर कितना हो चुका है? अभी तो कितना भी, तो अभी कितना होगा, अभी वही 1-2 होगा शायद ना, 1 होगा अभी, 0 होगा तो फिर तो स्नो फॉल हो जाएगी। ये फोटोशूट के लिए, ये फोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है एंड यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क भी है बच्चों के लिए, आके यहाँ पे खेल भी सकते हैं, बड़े भी आके यहाँ पे फोटोशूट वगैरह करते रहते हैं। ये देखो चलते पैडल बोटिंग है, पर करेंगे नहीं, बस चलते हैं। अच्छा, ये अंदर से चले जाएं क्या? यार वहाँ पे भीड़ लगी है। अभी वहाँ पे जाने के लिए हम लोग को और हिम्मत ही नहीं बची, इतनी ठंडी लग रही है, वहाँ जा भी नहीं सकते। तो वहाँ पे अभी हम लोग गए थे, कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ में, वन विहार। हाँ, वहाँ पे मत जाना सच्ची में, सच्ची करें, बहुत वेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। 50 रुपए बहुत होते हैं। हाँ, वो भी है, उससे अच्छा कुछ ले लेना यहाँ पे, स्वेटर 150 में कुछ भी ले। हाँ, स्वेटर वगैरह हम लोग ले आइए, 100 का ले लिया और कान ढक के रह रहे हैं, हवा नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, ये देखो सामने है, तो चलते हैं, अंदर जाते हैं फिर दिखाती हूँ आपको अंदर। देखो वहाँ से भी बहुत अच्छा दिख रहा है व्यू। वाओ,
मुझे तो मतलब क्या बताऊँ, मनाली में ना सोलंग वैली एंड ये अभी जो गए थे हम लोग हिडिमन टेम्पल, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। पानी में मत जाना, बता शिल्पा तुझे कौन सा अच्छा लगा मनाली में? बेस्ट, हाँ मनाली सोलंग वैली एंड हिडिम्बा टेम्पल, सही में वहाँ पे ही मतलब अच्छे से टाइम, हाँ टाइम स्पेंड करना वहाँ पे। और सिसु में अच्छा लगता है अटल टनल पे भी, पर हाँ, वो बंद है इस वजह से हम जा नहीं पाए। वही ना, कोई ना, जितने भी घूमे कम है ये हमारे लिए। लगभग प्लान जरूर ये का कहना है 4 या 5 दिन के लिए, हाँ, नहीं कम्प्लीट कर पाओगे यहाँ पे। हाँ मनाली में बहुत कुछ है दिखने के लिए, कहीं चले जाओ या ना मनाली जरूर आना 4-5 दिन के मेकअप करके। हाँ ये है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बट मैं इसके अंदर नहीं जा सकती हूँ। फाइनली फ्रेंड हम लोग रूम पे आ गए हैं एंड मैं ना रात को सोच रही थी कि मॉल रोड जाऊंगी करके, पर मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे नाक से पानी आ रही है, इतनी ज़ोर से मुझे सर्दी हो गई है, तो फिर इसी के वजह से। एंड कल हम लोग निकल जाएंगे फिर से अपने घर के लिए, कल हम लोग जाएंगे चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से फिर जाने वाले हैं मेरे चंडीगढ़ से, एक्चुअली मैं चंडीगढ़ से अपने घर जाऊँगी। एंड शिल्पा कहाँ पर जा रही है तू? वर्क प्लेस कहाँ पे करती है यार? बद्दी, हाँ यहाँ पे रहती है ना बद्दी में, तो फिर वो जाएगी बद्दी और मैं जाऊँगी अपने घर। तो आप लोगों को कैसा लगा मनाली, या फिर आप लोगों को कैसा लगा शिमला, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना शिमला अच्छा लगा या फिर मनाली आपको ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली चंडीगढ़ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मनाली एंड शिमला दिखने के बाद चंडीगढ़ ऑब्वियस बात है अच्छा ही नहीं लगेगा। तो वो अपने जगह पे ठीक है, हाँ वो अपने जगह पे ठीक है, सब कुछ अपने अपने जगह, हाँ सब, हाँ वो तो है ही, ये तो है। मनाली के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकाल के आना पड़ेगा, 4-5 दिन क्योंकि मनाली में बहुत कुछ है, पर अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है। शिल्पा का जॉब भी है ना, उसका छुट्टी भी नहीं है और मेरा भी ऐसा ही है, तो इसके वजह से ज्यादा टाइम थोड़ा निकल के। और कभी हम लोग सोच रहे हैं हम लोग डायरेक्ट आएंगे मनाली ना शिल्पा, हाँ ऐसे सोच रहे हम लोग। तो फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ, चलो फिर बाय। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं अपने घर एंड क्या बताऊँ, कुछ तो अलग एहसास है इस जगह पे शिमला एंड मनाली में। सही बताऊँ जो एक बार इस जगह पे आए उसे दिल करेगा कि बार बार इस जगह पे आने के लिए। एंड हमारा भी काफ़ी सारे जगह भी रह गई है मनाली में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम सिर्फ मनाली आएंगे एंड मनाली में हर जगह कवर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड मैं वीडियो को यहीं से स्टॉप करती हूँ एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल को हो सके तो शेयर भी कर लेना। तो फ्रेंड चलो फिर मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए डेस्टिनेशन के साथ, चलो फिर बाय।